तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन प्लस नॉर्ड 2 के अंदर स्लीप टाइम के बारे में, मतलब ऑटोमेटिक टाइम आउट के बारे में कि आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले है कितनी देर बाद बंद हो जाती है। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो डिस्प्ले है वो कितनी देर में बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली, इसका टाइम रहता है, उसको कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो गाइस, यहाँ से हम सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको डिस्प्ले का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो गाइस, यहाँ पर हम सिंपल तरीके से स्लीप पे क्लिक करते हैं। स्लीप पे क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पर हमने करके रखा है इसको 30 मिनट, मतलब कि 30 मिनट तक ये डिस्प्ले ऑफ नहीं होगी। अगर इसको मैं ऐसे भी रख देता हूँ तो 30 मिनट तक ये जलती ही रहेगी, मतलब ऑन रहेगी गाइज। और ये इस फीचर का काफ़ी इस्तेमाल तब होता है जब आप गाइज कुछ नोट करते हैं अपने फ़ोन के अंदर से, आप रीडिंग वगैरह करते हैं, तब आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइज इसको 15 सेकंड कर सकते हैं, आप चाहें तो गाइज इसको 30 सेकंड कर सकते हैं। 30 सेकंड बाद आपका ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाता है। तो गाइज इसको बोलते हैं मतलब स्लीप टाइम या फिर स्क्रीन टाइम आउट। तो गाइज आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर गाइज आपको कोई और डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो गाइज मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।